नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार गौपालक सहायता योजना के बारे में। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से आप लोगों का एक नई योजना यहाँ पर लागू होने वाली है, जिसमें कि यहाँ पे जो गौपालक होते हैं यानी कि जो गाय पालते हैं उनको यहाँ पे जो है प्रति गाय 800 रुपया जो है प्रति महीने यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि हर महीने उनको यहाँ पे 800 रुपये का जो सहायता राशि है वो यहाँ पे दिया जाएगा और जितना भी गाय वो पालते हैं उस गाय के हिसाब से जो यहाँ पे उनको पैसा दिया जाएगा। अब ये पैसा किस प्रकार से आप लोग को मिलने वाला है, किस तरीके से आप लोग को लाभ यहाँ पे दिया जाएगा और अभी जो है यह योजना किस प्रकार से यहाँ पे जो लागू की गई है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे गाय पालते हैं या फिर गौपालक हैं तो ऐसे में आपके लिए एक जो है बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है और एक बहुत ही अच्छी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है। तो मैं आप लोग को इस योजना के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोग को गौपालक सहायता योजना के बारे में यहाँ पे जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार से अभी जो यहाँ पे सरकार की तरफ से जानकारी दिया गया है और आपको किस तरीके से लाभ दिया जाएगा उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे जानकारी देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोग को आवेदन करने के लिए क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो सकता है और कौन कौन से लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को पेपर कटिंग के माध्यम से यहाँ पे जानकारी देता हूँ कि किस तरीके से इस योजना के बारे में जो है सरकार की तरफ से आप लोग का जानकारी दिया गया। तो जैसा कि आप देख पाऊं दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि गौपालकों को 800 प्रोत्साहन राशि देने पर सरकार कर रही विचार। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से आप लोग का जो गौपालक होंगे उनको 800 रुपये यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया दोस्तों कि उप मुख्यमंत्री सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री तारक किशोर प्रसाद सिंह ने राज्य के सभी गौशालाओं की स्थिति, उनकी भूमि विवरण, गौशालाओं की भूमि पर अतिक्रमण आदि जानकारियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया है। यानी दोस्तों, इस योजना के लिए जितना भी आप लोग का जानकारी जरूरी है वो जानकारी जो यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, उस जानकारी को यहाँ पे जुटाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता दोस्तों कि सरकार मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है, यानी कि यह योजना जो है पहले से आप लोगों का मध्य प्रदेश में चल रहा है तो उसी तरीके का योजना जो यहाँ पे लागू किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बता दोस्तों कि देसी गाय के संरक्षण का आदर्श मॉडल के लिए अधिकारियों की टीम अध्ययन कर रही है। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों को लाभ मिलने वाला है वो जो देसी गाय पालते हैं उनको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, जिनके पास भी देसी गाय होता है उनको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बता दोस्तों कि सभी गौशालाओं के अध्यक्ष एवं सचिव की बैठक भी बुलाई ताकि निजी गौपालकों को प्रोत्साहित करने के रूपरेखा तैयार किया जा सके। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर आप एक निजी गौपालक है, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी गौशाला नहीं चलाते हैं, अगर आपके पास खुद के यहाँ पे 5-10 पे गाय है तो ऐसे में आप जो है उसमें भी लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो यहाँ पे गौशाला है उसी को लाभ यहाँ पे दिया जाएगा, अगर आप निजी गौपालक हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो ये जो है सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि अगर आप जो यहाँ पे गाय पालते हैं, अगर आप जो यहाँ पे गौशाला के रूप में रजिस्टर नहीं है तो भी आप लोगों को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश मॉडल लागू होते तो बिहार में गौपालक के हर महीने प्रति गाय 800 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यानी दोस्तों, यहाँ पे जो प्रति गाय आप लोग को 800 रुपए का जो सहायता राशि है वो यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि आप लोग का मध्य प्रदेश में मिलता है, सेम टू सेम आप लोग का वही लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे जो गौपालक हैं उनका जानकारी यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, फिलहाल जो यहाँ पे गौशाला है उसकी यहाँ पे जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उसके बाद जो इस योजना को यहाँ पे लागू किया जाएगा और आप लोग का जो आवेदन है वो शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल जो यह योजना है वो अभी जो यहाँ पे शुरुआती स्टेज में है, अभी जो है इस योजना को लागू नहीं किया गया है। इस योजना पे जो काम है वह अभी यहाँ पे चल रहा है लेकिन इस योजना को अभी लागू नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों का जानकारी दिया गया है, मैंने आप लोगों को पूरा जानकारी दे दिया है कि किस प्रकार से आप लोगों का सरकार की तरफ से अभी जो है इस योजना के बारे में जानकारी दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दिया दोस्तों कि किस तरीके से आप लोगों का यह योजना यहाँ पे लागू होने वाला है और क्या अभी जो है सरकार इस योजना में यहाँ पे कदम उठा रही है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन लोगों को यहाँ पे आवेदन करना होगा और कौन से लोग यहाँ पे जो है लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि यह योजना का जो लाभ है वो सभी को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक गौपालक हैं तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप लोगों को यहाँ पे दिखाना होगा कि आप एक गौपालक हैं, आप गाय पालते हैं और आपके पास कितना गाय है उसका भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना होगा। साथ में यहाँ पे हो सकता है कि इस योजना को जब लागू किया जाए तो यहाँ पे आप लोग का एक लिमिट लगाया जाएगा कि कम से कम आपके पास 8 या फिर 10 गाय यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप जो है इस योजना के लिए
एलिजिबल होंगे तभी आप जो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि सरकार यहाँ पे प्रति महीने प्रति गाय आप लोगों को 800 रुपए यहाँ पे देने वाली है। तो उसके लिए कुछ आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसी तरीके का होने वाला है, जिससे कि जो गौपालक है जो सच में यहाँ पे गाय पालते हैं उन्हीं को यहाँ पे लाभ मिल सके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे गाय पालते हैं, तो ऐसे में जो है सभी को यहाँ पे लाभ देना संभव नहीं है। इसलिए आप लोग का हो सकता है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, उसके बाद उसी में आप लोग का बताया जाएगा कि आपके पास इतना गाय होना चाहिए तभी आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं, और इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जो है गौपालक का एक जो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अपने गाय का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आप लोग का जो लिमिट होगा उस लिमिट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे जो गाय पालते हैं तभी आप लोग को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो अभी जो है यह योजना जो है पूरी तरीके से लागू नहीं की गई है, इस योजना का जो लाभ है वो अभी आप लोग का नहीं मिलने वाला है, अभी जो है इसका आवेदन भी शुरू नहीं किया गया है। इस योजना का जो यहाँ पे आप लोग का जानकारी है, इस योजना में जो लाभ मिलने वाला है वो किस तरीके से लाभ दिया जाएगा उसके बारे में जानकारी आप लोग को सरकार की तरफ से दिया गया है, और इस योजना को किस तरीके से यहाँ पे लागू किया जाएगा सरकार जो है अभी इस पे विचार कर रही है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। अगर यह योजना लागू किया जाता है तो यह जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना होगा, और जितने भी गौपालक हैं यानी कि जो गाय पालते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन योजना यहाँ पे होने वाली है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।